मैं कैलकाटा से हूँ। मेरा एक दोस्त, उसने एमबीए करने के बाद ना मुंबई में जॉब लग गई। जब से मुंबई गया पागल हो गया, उसको लगता है मुंबई ही शहर है। हमें फोन करके कहता है तू क्या कर रहा है कैलकाटा, मुंबई यार जीना सीख जाएगा, जीना सिखा देगा मुंबई। तुम्हें चला गया जीना सीखने, साले ने दरवान रख दिया अपने घर पे यार। वो ऑफिस चला जाता, उसकी काम वाली बाइक, पेपर वाला, कचड़ा वाला सब मैं देख रहा हूं। जीना, मैं फ्लाइट से गया हूं मुंबई, जीना सिंह, मैं थर्सडे है भाई साहब, मैं उसको गाली दिया, बोला चूतिया समझ रखा है क्या, घुमा गए कुछ तो कर यार दरबार। कहता तुझे क्या पसंद है, पहाड़ या बीच? मैं बोला पहाड़। कहता सुन, फ्राइडे मैं ऑफ ले रखा है, फ्राइडे सुबह निकलेंगे पुणे के लिए, विश्वास जो रहता है पुणे वाला उसके यहाँ जाएंगे, रास्ते में एक हिल स्टेशन है लोनावला, वहां चलेगा? मैं बोला हिल स्टेशन ऑफकोर्स चलेगा ब्रो। वो उधर गया होटल बुक करने के लिए, मैं इधर गया सेकेंड हैंड जैकेट खरीदने के लिए, लेदर जैकेट सेकेंड हैंड खरीदी। हम गए लोनावला, पहुंचे वहां लोग गंजी में बैठे, पूरे लोनावला एक जगह ठंडे, मेरी गाड़ी में, थोड़ा आगे या चार अंग्रेज सनबात ले रहे। मतलब गोवा क्यों नहीं गया था, गोवा बहुत गर्दी हाय, साले मराठी सीख गए। मैं गया हूं, मैं बहुत पढ़ा गया हूं, मैं खीरगंगा गया हूं, मैं मसूरी गया हूं, मैं दार्जिलिंग गया हूं। दार्जिलिंग क्या होता है ना, सिलीगुड़ी स्टेशन है वहां पहुंचो गर्मी, पर वो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग पहाड़ पे जाओ ठंडी। मेरे को लगा सेम लोनावला के साथ हो सकता है, मैंने गूगल पे लिखा प्लेसेस टू सी, नहीं बेस्ट प्लेसेस टू सी इन लोनावला, गूगल ने लिखा पुणे 62 किलोमीटर अवे ओनली। कॉमा रेस्पेक्टिवली, ये पकड़े बहुत अभी तक हंस रहे हैं, ये इंटेलिजेंट होना पड़ता है, जो कैसे नहीं इंटेलिजेंट वैसे हंस रहे हो भाई, क्या तुम्हें समझ ही नहीं आया। मैं बोला मैं दिन में ठंडा पानी चाहिए क्या, वो तो गर्म में आता रात को आता है। बोला नहीं अभी चूल्हे रात को आएगा रख लेना। लोनावला क्या जाए, मैं बोला कि यार हम ना बहुत देर से घूम रहे हैं कुछ मजा नहीं आ रहा, तो तू ही कोई गाइड वाइड बता दे। बोला मेरा गाइड ले तो 1000 रुपए में पूरा लोनावला घुमा दे। मबला बोला आया वो, मैं बोला यार घूमने के लिए क्या है? बोलता सर यार टाइगर पॉइंट है, टाइगर पॉइंट मसूरी में भी है, क्या व्यू है टाइगर पॉइंट का भाई, सब खड़े हो वो। तो मैं बोला टाइगर पॉइंट से क्या दिखता? बोला सर टाइगर पॉइंट से लाइन पॉइंट दिखता है। तो लाइन पॉइंट से क्या दिखता है? तो बोला सर लाइन पॉइंट से टाइगर पॉइंट दिखता है। तो मैं बोला तू है क्या, मुझे लग रहा है। मैं बोला आमने सामने का? बोला नहीं सर बगल में ही है तो दिखता है। कोई गए लोनावला जाना कभी, देख रहा टाइगर पॉइंट लाइन पॉइंट ऐसा ले, ओ लाइन पॉइंट कैसे हो तुम, बाइफर्फिकेशन भी नहीं, आपको नहीं पता चलेगा आप टाइगर पॉइंट पे टहलते टहलते। बोले वो लाइन पॉइंट आ गया। मैं बोला लाइन पॉइंट वही सब नहीं, कुछ और पता क्या घूमने के लिए? सर बोलता है यहाँ भैया एक सर बहुत बड़ी जगह वाटर पॉइंट। तो बोला तू है, मुझे नहीं लग रहा तू है, और जो वाटर पॉइंट हमने देख लिया तो कहते कैसा लगा? मतलब 20 रुपए लीटर। मैं बोला कुछ बता ना ढंग, सुसाइड पॉइंट नहीं हर रोज सुसाइड पॉइंट? कहते सर यहाँ सुसाइड पॉइंट नहीं है, यहाँ अटेम्प्ट टू सुसाइड पॉइंट, अटेम्प्ट टू। कहते हाँ सर हाइटी।
अटेम्प्ट ही हो रहा है यहाँ. बोल रहे देखा, मैं बोला वो चाय वाला जा रहा है, दिख रहा है. बोला सर एक बार आप पक्का ट्राई करो, अब तो आएगी आएगी. चल तेरे लिए. मैंने चिल्लाया पांडे, तुम्हारे से आवाज नहीं. पांडे पांडे पांडे. ये हकला रहा है. बोले सर आज मौसम खराब है, कल आते क्या बढ़िया. 1000 रुपए की बात थी, 500 रुपए दिए, होटल गए, सोए, अगले सुबह पुणे के लिए निकल रहे थे. स्टेशन के बाहर वही आदमी किसी से बात कर रहा था. एंड रात को आई रियलाइज कि बहुत मजा आया गोपन में. बाकी लोनावला में जो पहन के घूमे लेदर जैकेट, बहुत थैंक यू बोलने के लिए रुक गया यार. वो बात कर रहा था तो मैं बोला बात खत्म हो जाए तो बोल दूंगा थैंक यू. तो बात करते करते सामने वाले को 200 दिए और उसने बोला थैंक यू. टू बी कंटिन्यूड. मैं कुछ नहीं बोला, मैं पुणे चला गया, 2 दिन पुणे में था. पुणे से विश्वास बोलता है कि सुनना तू बॉम्बे जा रहा है, हम छोड़ दे क्या गाड़ी, हम ना छोड़ दे भाई. कहता बीच में एक हिल स्टेशन है लोनावला, चले तेरे पास वो लेदर जैकेट भी है. हाँ हम गए वहां. तो मैंने बोला वाटर पॉइंट चलेगा, तो उसने बोला हाँ. तो हम गए वाटर पॉइंट, वो कह रहे हैं यहाँ तो नहीं है वाटर पॉइंट. तो मैं बोला बच्चों से पूछ ले. वो पूछ के वापस आया, बोला कैसा लगा वाटर पॉइंट. कहता 20 रुपए लीटर.